आपस में भिड़ने को तैयार है साउथ के चार सुपरस्टार। बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा फिल्मों का जबरदस्त क्लैश। इस डेट को मिलेगा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। एक तारीख पर अटकी है सभी की नजरें। KGF, पुष्पा जैसी फिल्मों को देखने के बाद सभी को इंतजार है तो साउथ फिल्मों का। सबका यही पूछना है कब कहां आएगी ये फिल्में कि हम दौड़कर इन फिल्मों को देखने जा सके। इसी से जुड़ी एक गुड न्यूज आ गई है, लेकिन लगता है ये गुड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर तबाही भी ला सकती है। इन दिनों एंटरटेनमेंट जगत से काफी उठापटक की खबरें मिल रही हैं। वहीं आने वाले टाइम में कई सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर फैंस के बीच बस बना हुआ है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस रेस में कौन कौन से सुपरस्टार शामिल हैं। एक ही दिन बड़ी फिल्में रिलीज होने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो 2023 में साउथ स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर आपस में भिड़ते नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो साउथ स्टार प्रभास, रामचरण, महेश बाबू और जूनियर NTR अपनी अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए एक बड़े दिन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि 30 मार्च 2023 पर इन सभी स्टार्स की नजरें हैं। दरअसल 30 मार्च को रामनवमी है और इसी दिन ये स्टार्स अपनी अपनी फिल्म रिलीज करने का मन बना बैठे हैं। कहा जा रहा है कि इस दिन फिल्म रिलीज करने से सभी को वीकेंड का फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो रामचरण की फिल्म RC-15, जूनियर NTR की फिल्म NTR-30, प्रभास की फिल्म सल्लार और महेश बाबू अपनी फिल्म SSMB-28 को 30 मार्च को रिलीज करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इन चारों में से किसी ने भी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। इनमें से ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग फिलहाल जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में प्रभास ने फिल्म सल्लार के लिए कुछ धांसु एक्शन सीन्स शूट किए हैं, वहीं रामचरण इस वक्त शूटिंग में बिजी है। खबर है कि महेश बाबू जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग पूजा हेगड़े के साथ शुरू करने वाले हैं। दूसरी ओर ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि अगर एक तारीख पर सभी की नजरें होंगी और सभी सुपरस्टार्स एक ही दिन अपनी फिल्मों को रिलीज करने की सोचेंगे तो इससे बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा क्लैश होगा। आपको बता दें कि इसी साल 24 मार्च को रिलीज हुई SS राजामौली की फिल्म RRR ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हंगामा मचाया था। फिल्म ने हिंदी बेल्ट में भी ताबड़तोड़ कमाई की थी। फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में थे। इन्हें दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इसके मुकाबले प्रभास कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुए। बाहुबली के बाद आई उनकी फिल्म साहू और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी और अब प्रभास को उम्मीद है तो अपनी अपकमिंग फिल्मों से। प्रभास सल्लार के अलावा आदि पुरुष और प्रोजेक्ट फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन बॉक्स ऑफिस का किंग कहलाता है, कौन सी फिल्म दर्शकों को सिनेमा थिएटर तक खींच लाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं।